तो चलिए एक बार बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं, वहां पे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। रुचिका जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है जी। रुचिका जी, क्या कहना चाहेंगी हरियाणा के जो नतीजे आ रहे हैं? तीसरी बार हैट्रिक, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बनाए। वंदे मातरम, मेरे सबको राम राम जी। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास सबका वाली सरकार जो है उसकी जीत रहे, ये लोकतंत्र की जीत है, ये जनता की जीत है। ये साफ दिखाता है कि जनता जो है वो लोकतंत्र पे भरोसा करती है, जनता विश्वास करती है विकास के ऊपर, जनता जातिवाद की राजनीति की बात नहीं करती, उसके खिलाफ वोट करती है, जनता वाद के खिलाफ वोट करती है, जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करती है, जनता पर्ची और खर्ची वाली सरकार के ऊपर के खिलाफ वोट करती है, जनता हुडा सरकार के खिलाफ वोट करती है। कांग्रेस वहां पर आज की तारीख में कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, वो हुडा कांग्रेस है और हुडा कांग्रेस के खिलाफ वोट करती है, जो दलित और दलित समाज का करते हैं। ये क्लियर मैंडेट दे रही है जनता वहां पर, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, सीटें बढ़ती जा रही हैं और भाजपा विनर निकलती आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा ने फिर से 10 साल के विकास को वोट दिया है, फिर से भाजपा को वोट दिया है, फिर से उस शासन को वोट दिया है जो सिर्फ और सिर्फ सबके लिए काम की बात करते हैं, सबका उत्थान की बात करते हैं और सबकी तरक्की की बात करते हैं। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या कहना है? बीजेपी 27 और एनसी 52। देखिए, मेरा तो मानना उसमें भी ये है कि हम फिर भी हमारी लोकतंत्र की जीत है। जहां पर 10% वोट के ऊपर सरकारें बनती थी, वहां कई जगहों पर 80% तक वोट हो रहा है। कम से कम लोग निकल पा रहे हैं, लोग वोट करने जा पा रहे हैं, अपना ओपिनियन सामने रख पा रहे हैं, वहां पर अलगाववाद के खिलाफ लोग सामने आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। वहां की जो जनता है, जो वहां का युवा है, वो पत्थर उठाने की जगह आज की तारीख में अपने प्रोग्रेस की एक्सपोजर पढ़ाई लिखाई की बात करता है, अपने काम की बात करता है। वहां जहां पर सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी होती थी, गोलियां चलती थी, बम चलते थे, उस जगह पर लोग आज की तारीख में कम से कम वोट करने के लिए निकल पा रहे हैं। और साथ ही हमने देखा कि वहां पर G20 जैसे सम्मेलन तक हो गए हैं, इतनी शांति है, इतनी हार्मनी है, इतना पीस। वहां पर लाल चौक पे तक तिरंगा लहराता है जोर शोर से, प्राउडली हम लोग कह पाते हैं कि लाल चौक पे तिरंगा लड़ाई लहरा रहा है। और साथ ही साथ में जो तक टूरिज्म जितना ज्यादा गया है वहां पर, पिछले सालों का हमारा जो काम रहा है उस क्षेत्र में, उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये चीजें जितना हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, आज अगर आप कहते हैं कि जी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वहां पर हमारा फिर भी वोट शेयर बढ़ा है। ठीक है जी, हम